मास्टर्स गेम एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम प्रतियोगिता नौणी यूनिवर्सिटी परिसर के खेल मैदान में 20 व 21 नवंबर को होगी। विनोद कुमार ने कहा, कोरोना काल के दौरान खेल गतिविधियों पर विराम लग गया था, लेकिन अब कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा, 30 साल से अधिक आयु वर्ग के महिला व पुरुष खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मास्टर्स गेम एसोसिएशन सोलन के प्रधान हेम कुमार शर्मा ने सभी से आग्रह किया कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लें। मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में और जिला सोलन मास्टर गेम्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का आयोजन इस वर्ष जो है वो सोलन जिला की डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी के अंदर 19-20-21 नवम्बर को आयोजित की जा रही है, जिसमें 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए यहाँ पे 10 गेम्स का आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तर पे, जिसमें मेरा आह्वान है उन सभी खिलाड़ियों से जो भी इसमें प्रतिभाग करना चाहेंगे, जैसे एथलेटिक में, कबड्डी में, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, साथ में टेबल टेनिस और हॉकी, ये सभी खिलाड़ी जो हैं अपने अपने आयु वर्ग में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इस प्रकार का आयोजन जो है वो लंबे समय के बाद हो रहा है, क्योंकि 2 वर्षों तक कोविड की वजह से किसी प्रकार की खेल गतिविधि जो है हिमाचल प्रदेश में हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब क्योंकि माहौल सुधरा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आयोजन को एक सफल आयोजन करें, जिसमें मेरा आह्वान है पूरे हिमाचल प्रदेश के इन सभी खिलाड़ियों से जो भी हमेशा से पार्टिसिपेट करते हैं और जो नए खिलाड़ी अभी इस आयु वर्ग में आए हैं, उन सब वह सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें इन सभी खेलों के अंदर। हमारी आयोजन समिति यहाँ के सोलन जिला के अध्यक्ष हेम कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में और यहाँ की हमारी महिला टीम जो हॉकी की बहुत अच्छी टीम है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी उम्र की टीम है, जो 55 प्लस से ऊपर की महिलाएं यहाँ पे हॉकी खेलती हैं और वो खेलों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। मैडम शीला कौशल जी उनकी यहाँ पर इंचार्ज हैं, जो हमारी कन्वीनर भी हैं, ये सभी लोग जो हैं एक उम्दा किस्म का खेल यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। मेरा मीडिया के माध्यम से सोलन के, विशेष करके सोलन और सिरमौर और शिमला के लोगों से विशेष निवेदन है, जिनका ये नज़दीक पड़ता है, कि वो सब लोग जो हैं वो 19 तारीख को यहाँ पर पहुँचे। 19 नवंबर को हमारा रजिस्ट्रेशन डे है, लेकिन कुछ गेम जैसी हैं अगर उसमें हमारे पास एंट्री ज़्यादा आती हैं, जैसे बैडमिंटन है जो लंबा चलता है, क्योंकि नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर केवल 2 कोर्ट हैं बैडमिंटन के लिए, इसके लिए इसलिए हमने देखा है कि अगर ज़्यादा एंट्रीज होती हैं तो हम बैडमिंटन प्रतियोगिता और हॉकी में अगर ज़्यादा टीमें होती है तो हम 19 तारीख से शुरू करेंगे सुबह, और 19, 20, 21 तीनों दिन तक ये बैडमिंटन और हॉकी चलेंगी। अगर इसमें एंट्रीज कम हुई तो ये 20 और 21 को ही होंगी, क्योंकि 20 तारीख की सुबह हमारी ओपनिंग सेरेमनी हिमाचल प्रदेश के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से ओपनिंग होगी, और 20 तारीख की सुबह 8 बजे ये गेम जो है वो शुरू हो जाएंगी। भले ही हमारे ओपनिंग सेरेमनी विधिवत जो ओपनिंग है वो 11 बजे की होगी, लेकिन गेम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और 20 और 21 दोनों दिन तक चलेंगी, और सभी खिलाड़ियों के खाने की व्यवस्था हमारी जो आयोजन समिति है उनकी तरफ से नॉन यूनिवर्सिटी में तीनों दिनों के लिए रहेगी, सभी खिलाड़ी जो हैं वो इसमें भाग। रजिस्ट्रेशन का क्या हिसाब है और कितनी फीस है? रजिस्ट्रेशन की इसमें केवल मात्र 1,000 रुपये जो है वो एंट्री फीस है, जो पिछले वर्षों में 1,200 रुपये होती थी, इस बार हमने कम की है, और उस 1,000 रुपये में हम सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर खाने की व्यवस्था, उनके मेडल, उनके लिए हर एक चीज़ का जो है वो इंतजाम करेंगे, और बाकी का जो खर्चा है वो एसोसिएशन अपने माध्यम से जो है वो उठाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।